हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर ले और उसको याद भी करे और बोले कि हाँ कोई चीज़ है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 150 प्राइस है, लेकिन अब हम इसको 100 में दे रहे हैं। 100 तो मैं चाहती हूँ, सरकार से विनती करती हूँ कि मुझे इसकी मशीन मिले। 100 तो मैं समझता हूँ ये अस्त्र नहीं शस्त्र भी है ये कपड़ा। तो जैसे ये पैडल दबाएंगे तो उतने व्हील वायर ऊपर उठ जाएंगे। चरखा रहता है जी, ये पर्न ये है, ये बॉबिन ये पहले जो है हाँ, इसका बार्प बीम होता है। तो एक बार्पिंग मशीन होती है, से पूरी साड़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाएगी। ये इसका पल्लू आएगा कॉन्ट्रास्ट में, ये इसका ब्लाउज आएगा और फुल बॉडी हैंड वर्क होता है पूरा। अगर चाहिए अपने यहाँ आके देख सकते हैं। ये देखो भाई सब प्यारा कलेक्शन लगा हुआ है। मार्केट में महंगे ब्लैक वाले जितने लगे हुए हैं जी, सब कोई भी 150 के 6 का क्या प्राइस है भैया? सर ये 50 रुपये का है, ये 350 सर। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ अपने ये स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2023-2024 में, जो कि हमारे ये लगा हुआ है मुरादाबाद शहर में। और मेरे को बताना भाइयों यहाँ कौन कौन आ चुका है, कौन कौन इस एक्सपो में हैंडलूम एक्सपो में घूम के जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरा दिखाने वाला हूँ। चल रहा है क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, क्या क्या यहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। राइट हैंड पे देख पा रहा हूँ ये अपने एक कार्यालय है इनका, जहाँ एक सर बैठे हुए भी हैं। आइए थोड़ा सर से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या मैं जान सकता हूँ ये जो एक्सपो लगा हुआ है कब से लगा हुआ है? हाँ ये 14 फरवरी से आयोजित है यहाँ पर और 27 फरवरी तक रहेगा। 14 से 27 तक रहेगा। 27 तक ओके। लोग आते हैं रोजाना यहाँ पर, पब्लिसिटी होती रहती है, यूट्यूबर भी आते हैं। बिक्री करने के लिए जो है गवर्नमेंट इस योजना के तहत इसका आयोजन कराती है। तो सर यहाँ पे जो आप मैं आइटम देख पाता हूँ ये सब मुनासिब रेट पर होते हैं या? हाँ बिल्कुल मुनासिब रेट पर होते हैं। हैंडलूम का एक आयोजन करके गवर्नमेंट इन कपड़ों को प्रोत्साहित इसीलिए करती है कि जो तो ये कला को जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए, बताने के लिए इस मेले का आयोजन गवर्नमेंट कराती है। बरेली में लगा है और बदायूं में लगा है, तो इस तरह नखलऊ में लगा है, कानपुर में अभी सबसे बड़ा मेला चल रहा हुआ है। यहाँ के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो है आयोजन का प्रोग्राम है, तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में करते हैं। अलग अलग रहती हैं, एक DHC लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला, तो वो 7 दिन का प्रोग्राम होता है। 6 दिन हमारे यहाँ जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है? ये है नेशनल हैंडलूम एक्सपो, ये कितने दिन का इसको बोलते हैं? ये 14 दिन का है। 14 दिन। सर आपका शुभ नाम? अशोक कुमार, टेक्सटाइल इंस्पेक्टर अशोक कुमार जी। तो दोस्तों अशोक सर ने अभी हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया काफ़ी शहरों में लग चुका है और मुरादाबाद शहर में चल रहा है जो कि 27 तारीख तक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए इसी वीडियो में, अभी आपको हम पूरा और कवर करके दिखाते हैं। एक स्टॉल ये लगा हुआ है। हाँ, शाम के समय काफ़ी भीड़ रहती है, जैसे कि आज मैं वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ। ये बहुत भीड़ रहती है शाम को, तो जो है हर दुकान पे। भैया कमेंट करके जरूर बताना मुरादाबाद से कौन कौन यहाँ आ चुके हैं। तो भाई एक मैं ये देख पा रहा हूँ। दोस्तों इस पीस के बारे में जानते हैं, आइए इनसे। तो सर ये क्या आइटम है? ये सर पंजादरी के नाम से इसको डोरमेट में भी यूज़ किया जा सकता होता है जी। और हम इसको बैग भी बनाते हैं इसका। एक्चुअली बैग हम इसमें लेदर लगा के इसको बैग भी कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। इसको ये बैग बना है और इसी में हम ये लेदर पूरा साइड में झालर वगैरह देते हैं लेदर की। ये अंदर से कपड़ा लगाते हैं और ये ऊपर सब लेदर, ये सब लेदर की ये बंदिकें यहाँ से लगती हैं कैरी करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो दोस्तों कुछ बैग इस तरीके से तैयार हो जाता है जिसको पकड़ के आप इस तरीके से कहीं भी अपने ले जा सकते हैं। जरूरत का सामान रख के इसके अंदर, सब्जी लाएं, कुछ भी लाएं सर, इसमें ये इस पर्पज से ये चीज़ रेडी हो जाती है। अच्छा सर इसका ऑर्डर देना पड़ता है या अभी सैंपल ऐसे रखा हुआ है? ये सर सैंपल के बेस पे है, क्योंकि एक एक पीस हम लोग सैंपल के बेस पे बनाते हैं और इसका ऑर्डर के हिसाब से भी बनाते हैं। अच्छा एज ए कस्टमर मेरे को ये चाहिए, सेम वैसे बैग चाहिए, तो उसमें कितना समय लगेगा और क्या कॉस्ट लगेगी वो? इसको सर ये अब ये कम से कम सर एक सैंपल में ये कम से कम समझिए 700 रुपये का सर ये पीस का खर्चा है सैंपल बनाने में। और यही अगर ऑर्डर के हिसाब से बनाएंगे तो इसकी कॉस्टली कम हो जाएगी। तो यहाँ ऑर्डर के हिसाब से मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सिंगल पीस मिल जाएगा? ज़्यादा सिंगल नहीं मिल पाएगा, सिंगल में पीस महंगा पड़ेगा, एक पीस महंगा पड़ेगा जी। आप क्वांटिटी मांगेंगे तो यही पीस फिर आप मान लीजिए 500 या 100 या 200 ऐसे पीस अगर मांगेंगे तो ये सस्ता उतना रेट कम होता जाएगा। वही जिसको अपना बिजनेस वगैरह करना है उस पर्पस से लेना, अपना ऑर्डर वो यहाँ से ऑर्डर दे के आप ले सकता है यहाँ से। एक अगला स्टॉल ये है रितु हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के नाम से, जो उत्तराखंड हरिद्वार लक्सर से हैं भैया अपने। आइए भैया से जानते, पहले देखते हैं। देखो भैया कैप्स वगैरह यहाँ सब है आइटम। चलो भैया से बात कर रहे हैं सीधे, यार टाइम भी वेस्ट करते। तो ये आपका नाम? गौतम पाल। गौतम पाल। तो पाल साहब आज हम आप क्या दिखाने वाले हैं अपने स्टॉल पे, इस प्रदर्शनी में? आपको हम शॉल दिखाएंगे जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का हैंडमेड। हाँ जी सर ठीक है। ओके, क्या प्राइस है भैया इसका? 850 का है सर। 850 का है, हाँ जी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपका दिखाएंगे अपने पास, ये आपको दिखा दें। अच्छा पंखी आ गई, पंखी है सर ये। देखो भाई कुछ ये पैटर्न है, थ्रेडिंग का वर्क है, पूरा हैंडलूम इनका हैंडमेड है। भैया इसको क्या और क्या बोलते हैं? इसको पंखी बोलते हैं। पंखी बोलते हैं। किस पर्पस से यूज कर सकते हैं? लोई बोल सकते हैं, ओढ़ने वगैरह के ना, वगैरह में सब में यूज होगा ये, टैस वगैरह में। ओके, यहां आप जाते हैं विंटर्स में। सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा ये है, जो हमारा हिमाचल पिथौरागढ़ घर का, लेकिन हम इसको खुद से बनाते हैं, हमारे कारीगर बनाते हैं। माय नेम इज रितु गौड ब्राह्मण, हरिद्वार से, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम। ये सर हमारा जो ये खादी का ये टोपी टू वीड में बनता है, ठीक है। ये हमारा हिमाचल में सबसे पहले यूज़ हुआ था और उसके बाद हमारे उत्तराखंड हरिद्वार में आया। तो हमने सोचा कि कारीगर से क्यों ना हम भी अपना प्रोजेक्ट सेल करें हैंडमेड, जो हम प्रदर्शनी के द्वारा यहाँ पर सेल करें और हमारे प्रोजेक्ट को कस्टमर ले और उसको याद भी करे और बोले कि हाँ कोई चीज़ है। ओके, तो खाली ये बस अपने सिर पर लगाने के पर्पस से यूज होता है ना, फैशनेबल ट्रेंड जो अपना उत्तराखंड के साइड का है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो इसका मैम क्या प्राइस रहने वाला है? इसका सर ज्यादा प्राइस नहीं है, 150 प्राइस है, लेकिन अब हम इसको 100 में दे रहे हैं। 100 में दे रहे हैं, जी जी। ओके, अच्छा ऐसे में और भी पीस देख पा रहा हूँ। ये भी हमारा अपना खुद का है। ये वैसे तो हम ऊपर बद्रीनाथ के लिए रखते हैं, लेकिन ये बच रहा है इसलिए हमने मेलों में सेल किया। ये हैंडमेड है हमारा, ये भालू की ऊन से बनता है। अच्छा जी, ये भी मेरा कारीगर बनाता है। अच्छा, इसको पलट के दिखा सकते हैं अंदर से, इसका कैसा फर अंदर है इसका, ओरिजिनल पेवर हैंडमेड। देखो भैया दोस्तों कुछ इस तरह होता है, ये आप अपने विंटर्स में यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी गर्माहट देंगे आपको, ये जी जी बचा के रखेंगे सर्दी से। और मैम आप ये अपने जैसे ही स्टॉक वगैरह, ये हमारा प्रोजेक्ट पिथौरागढ़ से स्पेशली बन के आता है ऑर्डर पे, स्पेशली ऑर्डर पे। जी जी, ये चीज ये हमारा सबका हैंडमेड है सर। अच्छा, ये वाला जो इसकी मशीन बहुत महंगी है, तो मैं चाहती हूँ, सरकार से विनती करती हूँ कि मुझे इसकी मशीन मिले, सोल की थोड़ी मेरी हेल्प होए, मदद होए, तो मैं अपने घर में सोल की मशीन भी लगाना चाहूँ। लो जी, मैम ने अपनी एक इच्छा भी रख दी है सरकार के सामने, उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचनी चाहिए। अच्छा मैम, एक पीस में ये देख रहा हूँ, ये क्या है? एन जी, ये जो पीस है ये भी शॉल है सर। अच्छा, ये भी शॉल है, हाँ जी। ये कट पीस में शॉल आता है, इसका बिल्कुल एकदम कलर बनता है, इसकी छपाई 5 दिन में तैयार होती है सर। ठीक है, यानी आपको कैप और शॉल वगैरह ये सब है। जी जी, मैं ठीक है, थैंक यू सर। तो भैया मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बताया कैप के बारे में, और अपनी इन्होंने एक इच्छा भी जाहिर की है, वो भी बताया सरकार के लिए। भगवान करे इनकी इच्छा भी वो पूरी हो। तो दोस्तों अभी एक पॉइंट मैंने ये देखा है कि स्टॉल ये है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। भैया क्वेश्चन देखो कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। ये ऊपर आओ भैया से ही जानते हैं, आपका सब नाम? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, आप हमें क्या दिखाने वाले हैं, थोड़ा बताएं आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? कुशन कवर, फ्रीज कवर, वॉशिंग मशीन कवर, टेबल कवर, एलसीडी कवर। शुरू करें, कहाँ से करेंगे, क्या दिखाएंगे सबसे पहले? हमारे पास टेबल कवर है सर। ये टेबल कवर आ गया, सब हैंडमेड है ये? हाँ, हैंडलूम में होता है ये सारा, हाथ से बना हुआ, जिसको हाथ से बना हुआ होता है, हाथ की कारीगरी। ये आ गया सोफे का कवर। भैया इसकी क्या लेंथ है, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है? 5 बाय 3.5 का साइज होता है। प्राइस इसका क्या है? 220 रुपये। 220 रुपये। ये क्या है अगला? ये सोफा कवर है सर। सोफा कवर आ गया, ठीक है। और कुशन कवर है, टेबल कवर, फ्रीज कवर, वॉशिंग मशीन कवर, डाइनिंग टेबल का। इसका प्राइस क्या भैया? इसका ये 1500 रुपये का। 1500 का है? हाँ जी, अलग अलग रेंज में हमारे पास 800 रुपये से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, ये ऊपर जो मैं देख पा रहा हूँ ये सारा टेबल कवर है। ये सब टेबल कवर, क्या प्राइस है इनका? टेबल कवर 220, 250, 300, 350, अलग अलग रेट, अलग अलग रेट में। ये सबसे पहले क्वेश्चन उठाना, सामने वाले तीन जिसमें मोड़ बना हुआ है एक, ये है मोड़ वाला। अच्छा, एक पैटर्न ये आ गया, देखो कुछ इस तरह आएगा ये, एक ये वाला पैटर्न है इसका। एक पैटर्न ये आ गया, क्या प्राइस है भैया इनका? ये वाला 350 का। 350, तीनों कोई सा भी? हाँ, 350। हाँ, ये 350 वाला सर। और एक इसमें का आएगा, ये है, ये 400 रुपये की रेट में। इसके भी कलर बहुत सारे। कम से कम कितने का है अपने पास स्टार्टिंग जो रेट? स्टार्टिंग 350 से। 350 जी, 10% छूट है सभी पे। कितने परसेंट? 10% छूट है। 10%, हाँ जी। अच्छा, इधर ये क्या लगा? ये सोफे का कवर है। ये सोफे का कवर है। अच्छा, वॉशिंग मशीन कवर, फ्रिज कवर वगैरह भी है। हाँ जी, वॉशिंग मशीन कवर कोई एक आध पीस दिखाएं जरा मेरे को, वॉशिंग मशीन का। ये कितने का है भैया? ये वाला 250 रुपये का, वॉशिंग मशीन का। 250। एसी कवर भी होगा फिर तो? एसी कवर खत्म हो गया। वो कितने का था कम से कम अपने पास? वो वाला 300 रुपये का था। वो 300 एसी का और आउटडोर का दोनों का होता है ना? हाँ, वो कम्बाइंड होता है, वो तो पूरा सेट होता है, आउटडोर इनडोर। ठीक, स्टॉल पर यहाँ साड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सब एक से एक बढ़िया साड़ियों का कलेक्शन लगा हुआ है। आइए भैया से भी जानते भी इन साड़ियों के बारे में, इनको क्या बोलते हैं, कैसे किया गया है। तो नमस्कार भैया, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मैं मोहम्मद नफ़ी भाई। हमारे लिए ये पीस है, ये हमारा साटन सिल्क बोला जाता है, एम्ब्रॉयडरी पीस है। ये 1700 रेंज की है। इसी तरह हमारी जो भी डिस्प्ले लगे हुए हैं सब अलग अलग प्राइस के हैं, 1000 से स्टार्टिंग है, 8,000 तक साड़ियाँ हैं। 8,000 तक में जाता है? जी जी, कम से कम स्टार्ट था 1,000 से स्टार्ट है। 1,000 से स्टार्ट है। अच्छा, ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये सब अलग अलग प्राइस के होंगे? जी जी, अलग अलग प्राइस, जैसे ये 1200 है, 1700 है, ऐसे 2200 हैं, उसमें 3,500 की भी साड़ियाँ हैं। 8,000 तक मैक्सिमम और मिनिमम 8,000 तक सब हैं। 8,000 तक सब है। तो ये सब साड़ी हो गई आपका यहाँ? जी जी, सिर्फ साड़ी है, बनारसी साड़ी है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुबारकपुर एक ऐसा नगर पालिका है जो कि बनारसी साड़ी 60% तैयार करता है, और हम खुद बना के मुबारकपुर से डायरेक्ट यहाँ ला के मुरादाबाद की जनता को वितरण करते हैं, बेचते हैं। इसका फ़ायदा इनको ये है कि होलसेलर और शोरूम से जो रेट बढ़ते हैं उसका बेनिफिट इनको मिलेगा डायरेक्ट। चले भैया, भैया ने जानकारी दी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या आइटम है। तो दोस्तों कुछ इस तरह यहाँ पर अपना ये प्रदर्शनी लगी हुई है मुरादाबाद शहर में हमारे। देखो ये इस तरीके के स्टॉल हैं। अब यहाँ पर थोड़ा इतना ही है मामला, ऐसे ही ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, जो कि शाम को काफ़ी अच्छे लेवल भीड़ होती है। और मैं आपको कोशिश करता हूँ और दिखाने की। दोस्तों देखो एक साड़ी का पॉइंट ये भी लगा हुआ है इनका, वाराणसी के भैया, जिसको लेडीज़ को अपने किसी को साड़ी वगैरह चाहिए वो अपने यहाँ आके देख सकते हैं। 1000 से स्टार्टिंग है बनारसी साड़ी का। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मटेरियल कौन सा है? कौन सी साड़ी ऐसी है जो, कौन सा प्रिंट ज़्यादा बिकता है जो लेडीज़ को पसंद आता हो? ये जामदानी सिल्क साड़ी से कंट्रास्ट पीस पे बहुत अच्छी साड़ी से सर, ये इसका आंचल होगा और ये ब्लाउज पीस ऑल ओवर ये बनारसी थ्रेड वर्क पे बहुत अच्छा नायाब डिज़ाइन है, और ये पूरा जाल डिज़ाइन पे इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी साड़ी से सर। और यही चीज़ इस पे जरी का काम कर देंगे तो ये हैवी जो बनारसी ट्रेडिशनल जाल साड़ीस होती है उसी का ये रेशम थ्रेड वर्क का पूरा काम है सर। इसमें कलर्स डिज़ाइन आपको काफ़ी मिल जाएंगे। ओके अच्छा, इस तरीके से जैसे मैं सामने देख पा रहा हूँ ये सब अलग अलग प्राइस के, सब सेम प्राइस है इनका? सर डिफरेंट प्राइस है और सब डिफरेंट क्वालिटी है। ये सारे ये जो है साटन सिल्क पे आएगा, ये सिल्क बूटी पे आएगा, ये जामदानी सिल्क पे आएगा, ये बनारसी कतान सिल्क पे आएगा। तो इसी तरीके से इसमें जाल पे है, बूटी डिज़ाइन है, और इसी डिफरेंट सब पैटर्न है। और इसी तरीके से बनारसी सूट आएगा तंछुई जामावार सिल्क पे, ये भी रंगोली डिज़ाइन पे बिल्कुल नया कलेक्शन है सर। ये मसराइज कॉटन पे इसका पूरा हाथ का पूरा मीनाकारी वर्क है सर। ये इसका टॉप आएगा और ये इसका दुपट्टा और ये इसका बॉटम। ओके, इसका क्या प्राइस है? ये सर 2000 का है, डिस्काउंट के बाद 1600। डिस्काउंट के बाद 1600 सर। तो दोस्तों एक मिस पॉइंट पर आ चुका हूँ, आइए भाई से भी जानकारी लेते हैं इनके पास क्या क्या है। जी सर, हमारा नाम मोहम्मद शादाब है, हम बनारस से आए हैं, यूपी बनारस से। हम लोग वीवर्स हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का प्रोडक्ट है, और इस हैंडलूम स्टेट हैंडलूम एक्सपो में हम लगाए हुए हैं। और हमारे पास सूट्स मिलेंगे, साड़ीज़ मिलेंगी और दुपट्टे मिलेंगे। ये हमारे पास देखिए बनारसी लीलन कॉटन में आएगा, ये सूट आएगा, ये इसकी जामावार पैंट आएगी, और ये इसका दुपट्टा आएगा। ये हैंडलूम स्टफ पूरा हैंडवर्क आएगा और ये पूरा हैंडमेड काम मिलेगा। और ये क्या नाम है कि कम से कम मैक्सिमम 3 दिन लग जाते हैं बनाने में, इसको पूरा हैंडवर्क आएगा, कोई प्रिंट नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा। और ये 1250 के रेंज में आएगा, इसमें 20% हम लेस करते हैं। 20% लेस करने के बाद ये आपको पड़ेगा 1000 का। और हमारे पास साड़ियाँ मिलेंगी सब अलग अलग स्टफ में, जैसे कि ये साड़ी देखो बनारसी पूरा हैंडवर्क बनारसी सिल्क साड़ी में, ये पूरी साड़ी क्या नाम है कि 15 दिन लगते हैं बनाने में। फिर इसमें डबल काम किया गया है स्टोन वर्क से, पूरी साड़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई। ये इसका पल्लू आएगा कॉन्ट्रास्ट में, ये इसका ब्लाउज़ आएगा, और फुल बॉडी हैंडवर्क होता है पूरा। इसको कम से कम हैंडवर्क करने में 5 दिन लग जाता है, और साड़ी जो वीविंग होती है ये कम से कम 15 दिन लग जाती है साड़ी बनाने में। ये शोरूम प्राइस इसका 15,000 रुपये है, और ये हमारे पास आएंगे तो ये 6,500 के रेंज में मिलेगी साड़ी हमारे पास। सबसे यूनिक आइटम ये सब, और कम से कम रेंज में साड़ी आपको देखनी है तो कम से कम रेंज में भी हमारे पास अवेलेबल है। दिखाइए, कम वाले भी दिखाइए। जी, मैं आपको कम रेंज का भी दिखाता हूँ, ये भी और मीडियम रेंज में है, इससे हाई भी रेंज में। हम सबसे कम रेंज में आएगी, ये सबसे कम रेंज में आएगी, मूंगा चेक में आएगी, प्लेन और आंचल पल्लू में चेक, मूंगा चेक बनारसी हैंडलूम स्टफ। ये प्लेन बिल्कुल साड़ी आएगी, सबसे कम रेंज में आएगी, ये 900 के रेंज में आएगी। ये पल्लू आएगी और इसमें ये फुल बॉडी ऐसी साड़ी प्लेन आएगी, और अच्छा आइटम है ये, और हैंडमेड और गर्मियों के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा आइटम है ये, हर सीज़न यूज़फुल। आप क्या नाम है कि आइए, विजिट कीजिए और क्या नाम है कि ले जाइए हमारे। अच्छा, कोई ऐसे और कुर्ती वगैरह, कोई कुर्ती वगैरह में कुछ और ऐसा? हाँ, ये तो साड़ियों का मामला हो गया। सूट में हमारे पास देखिए, और गर्मी आ रही है, गर्मी के लिए क्या ये गर्मियों के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा स्टफ है, और ये 1600 के रेंज में आएगा। ये सूट आएगा, इसकी जामावार ये पैंट आएगी और ये इसकी चुन्नी आएगी सर, ये इसकी चुन्नी आएगी। फुल बॉडी हैंडवर्क होगा और फुल बॉडी काम आएगा इसका। ये देखिए ये पूरा ऐसे ही आएगा, पूरा हैंडवर्क। और भी वैरायटी देखनी चाहेंगे तो और भी वैरायटी हमारे पास स्टफ मिलेगी, और भी चीज़ मिलेगी हमारे पास। भैया के पास बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। अगर मैं एक एक पीस दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ लिमिटेड पीस आपको दिखाएंगे। भैया अपना नाम बता दो। हमारा शादाब नाम है, और क्या नाम है कि आप स्टेट हैंडलूम एक्सपो में आए। सही है यार, प्रदर्शनी ठीक लगी हुई है, ऐसा नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। वो तो दिन का समय, वरना शाम को तो काफ़ी भीड़ होती है, जैसे कि भैया ने मेरे को बताया था। अभी इसका डिपार्टमेंट है इधर, सब सूट्स वगैरह ये। भैया लेडीज़ जेंट्स दोनों है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसा स्पेशल यूनिक जो आप दिखाना चाहें हमें? एक आध पीस लॉन्ग कुर्ता है तो दोस्तों ये देखिए, बॉयज़ जिसे किसी को कुर्ते वगैरह चाहिए हो तो अपने यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। देखो ये सब लेडीज़ और जेंट्स दोनों का लगा हुआ है, गर्ल्स बॉयज़ के लिए, जेंट्स लेडीज़ सब है। अच्छा, ये लॉन्ग कुर्ता है, लॉन्ग कुर्ता है, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, पजामे पे चलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए लॉन्ग कुर्ता है, ये लॉन्ग कुर्ता आ गया, और ये इसका पजामा है। देखिए भैया कुर्ते पजामे का पूरा सेट आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए पार्टी वेयर, बिल्कुल एकदम पार्टी वेयर, एकदम बिल्कुल जैसा भैया ने बताया, कॉफ़ी कलर मैं देख पा रहा हूँ। और ये सब हैंडलूम ही है ना अपने? हाँ जी, हैंडलूम है सर। ये इसके कलर आ जाएंगे, देखिए ये ऐसे कलर मिल जाएंगे। ये देखिए भैया इसका प्राइस बताइए सबसे पहले, मेन बात बताइए आप। ये सर 350 का है, ये वाला 350। 350 का है, ये 250 का है। पूरा सेट 600 रुपये का पड़ेगा, पूरा सेट 600 का पड़ेगा जी। एक हमारे पास शॉर्ट कुर्ता है। हाँ शॉर्ट भी दिखाइए जरा एक। देखिए ये जीन्स पे चलता है भैया, जीन्स वगैरह पे जिसको अपना यूज़ करना हो शॉर्ट कुर्ता ले सकते हैं, हाफ स्लीव में। ये शॉर्ट कुर्ता है, ठीक है भैया। इसका प्राइस क्या रहेगा? ये 300 का है सर, ये 300 का जी। ओके अच्छा, मैं इधर देख रहा हूँ बच्चों का भी है क्या कुछ? हाँ जी बच्चे का है, ये देखिए। अच्छा, ये बच्चे का जीन्स पे पहनने का कुर्ता है, ठीक है भैया। सब खादी कॉटन, तो भैया बाप बेटो दोनों के लिए आप अपना अपना आ सकते हैं, ले सकते हैं। पिताजी भी खरीदे, अपने बच्चे को भी खरीदवाएं, और भाभी जी के लिए भी ले सकते हैं। तो पूरा कॉम्बिनेशन आपको भैया के इसी स्टॉल पर मिल जाएगा। हमारे पास हाफ स्लीव, ये हाफ स्लीव की क्या भैया शर्ट आ गई, ठीक है। ये 250 की है सर, ये 250 की है भैया। विंटर्स का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है आपके लिए यहाँ पे। ये सब आपको गर्म ब्लैंकेट वगैरह मिल जाएंगे इस पॉइंट पे। आइए भैया से जानते हैं इस बारे में। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान भाई, तो इमरान जी आप हमें क्या दिखाने वाले हैं आज? आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? मेरे पास ये बेडशीट है, ये हैंडलूम में, ये कॉटन खादी में, ये ओके, ये अपने हाथ से ही बनाई जाती है, ठीक है, तैयार किया जाती है। ये इसका सिंगल है, ये सारे मेरे पास पीस ये डबल के हैं। ये एक से बढ़िया कलर आएगा, ये डबल में, ये कॉटन में, डबल में कॉटन में, ठीक है। ये ओढ़ने वाली चादर भी है मेरे पास, ये गर्मियों के लिए, गर्मियों के लिए। अच्छा जैसे गर्मी आ रही है, लोग एसी काफी यूज करेंगे, तो एसी में हल्का चाहिए रहता है, जैसे हमें भी चाहिए रहता है। एसी के लिए मेरे पास कंफर्ट मिल जाएगा, ये कंफर्ट आता है ये जी, एसी मोड़ने के लिए, एसी वगैरह वो एसी रूम में अपने आप यूज कर सकते हैं, एसी में आप यूज कर सकते हो इसे। तो ये इसको थोड़ा एक बार खोल के दिखाइए इसका क्या प्राइस रहेगा, क्या इसकी लेंथ? 750 रुपए का है इसे, 750 जी। साइज आएगा इसका 7.5 बाई 7, 7.5 बाई 7। हाँ, इसमें और भी कलर और भी पैटर्न होंगे ना? बहुत कलर है इसके, ये लग रहे हैं सारे कलर, ये लगे हुए हैं इसके, ये सारे कलर डिजाइन इसी के हैं। ये देखो भाई जी, ठीक है, ये सारे कलर डिजाइन इसी में है ये जी। और फिर मेरे पास ये टॉवल ही मिल जाएगी गर्मियों के लिए। हाँ ये टॉवल्स आ गई, इसकी लेंथ वगैरह थोड़ा दिखा सकते हैं जी? साइज जो है ये 30-60 है इसका, 30-60 जी, पूरा फुल साइज होता है। ये 250 का है, ये 1 पीस। हाँ अच्छा जी। अच्छा और इससे अच्छे में और कोई टॉवल बढ़िया है? ये सॉफ्ट है ये भी जी, ये भी एक बढ़िया टॉवल है, ये भी एक नया डिजाइन आया है टॉवल का। इसका क्या प्राइस है भैया? ये 150 का पीस, 150 जी, 1 पीस। हाँ सॉफ्ट है, ठीक है, ये भी सॉफ्ट है, बढ़िया है ये। अच्छा इधर ये सब बेडशीट हो गई जी, ये सारी बेडशीट है, जयपुरी बेडशीट है, ये सारी जयपुरी कॉटन की जी। इनके क्या प्राइस है? ये 650। 650 पीछे भी सब बेडशीट लगी हुई है, बेडशीटें लगी हैं जितनी। ओके अच्छा, ये पिलो कवर आ गया ऊपर जी, ये अलग से पिलो कवर मिल जाएंगे। इनका क्या प्राइस भैया? ये 100 रुपये का जोड़ा है, 100 रुपये का जी। ये अपना नेट आ गई, मच्छरदानी आ गई जी। तो नमस्कार अंकल, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमको। मेरा नाम जमील अहमद है। जमील अहमद जी, आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? टॉवल दिखाने वाले हैं साहब, ठीक है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी है, ये भी सब हैंडमेड ही है जी। हाँ हाथ से बना हुआ, हाथ से बनाते हैं जी, पुश्तैनी काम है हमारा, दादी। ओके तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है इस टॉवल का? इसका 70 रुपये का है, 70 रुपये का है, ठीक है। और इससे कम रेट में भी कोई है अपने पास? इसके कम रेट में ये 40 की है, ये 50 की है। सबसे कम 40 वाली है? जी हाँ। देखो भैया 40 रुपये टॉवल, और क्या लोगे यार 40 रुपये के समोसे मोमोज खा जाते होगे आप। पूरी लंबाई चौड़ाई है ये देखो, ये टॉवल्स वगैरह अपना 40 रुपये में आते। भैया आपका शुभ नाम? फ़हीम अहमद। फ़हीम अहमद जी। अहमद जी आप हमें क्या दिखाने वाले हैं अपने स्टॉल पे? जी हमारे यहाँ बेडशीट बनती है, कॉटन की बेडशीट, हाँ, जो डबल बेड का साइज़ होता है किंग साइज़, और एक साइज़ होता है दीवान साइज़। जो डबल बेड का साइज़ होता है वो 7.5 बाई 8.25 फिट होता है। हमारी ये खादी की आइटम है हमारी, और इसमें हमने इसमें सलब का यूज़ किया है, कॉटन सलब का, और बहुत अच्छा पीस है ये। इसका ये किंग साइज़ है जी, 100% कॉटन है, और कलर भी फास्ट होता है। अच्छा, वॉश करने पे इसका थ्रेड वगैरह इतने आसानी से कुछ होगा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा, बल्कि गफ हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अच्छा जी हाँ, वॉश करने में आसानी से वॉश हो सकता है? आसानी से वॉश हो जाता है, हैंड वॉश, मशीन वॉश, हैंड वॉश, मशीन वॉश, दोनों मतलब वॉश हो जाता है, दोनों वॉश दोनों तरीके से। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये 900 रुपये का है विद पिलो कवर। विद पिलो कवर 900 रुपये? जी जी ठीक है। अच्छा मैं इधर देख पा रहा हूँ ये सब, ये भी डबल बेड का है, हाँ, ये भी 100% कॉटन है जी। हमारे पास जितनी भी आइटम है 100% कॉटन है, और हम जो भी आइटम बनाते हैं वो 100% कॉटन में ही बनाते हैं, पॉलिस्टर वगैरह हम यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। ये भी वही सब है? जी हाँ, ये दीवान साइज़ है। ये दीवान साइज़? जी हाँ। प्राइस इनका अलग अलग है? इनका अलग प्राइस है। ये हैंडलूम जैकार्ड का बना हुआ है, इसको हम बहुत साइड यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, ये बहुत साइड यूज़ होता है। एक तरफ डार्क शेड आती है और एक तरफ लाइट शेड आता है। ओके जी हाँ। इसका क्या प्राइस है? ये 400 रुपये का है विदाउट पिलो कवर। विदाउट पिलो, उसके साथ में पिलो के साथ? पिलो के साथ ये 450 का हो जाएगा। 450 जी हाँ। ऐसे सबके प्राइस अलग अलग है जी हाँ। ये आइटम, ये भी जे कार्ड की आइटम है, ये भी बहुत साइड यूज़ होता है। ये 600 रुपये की है विदाउट पिलो, और इसको पिलो के साथ लेंगे तो 700 रुपये की हो जाएगी। 600 700 जी हाँ। ओके, तो ये तो सब यही सब जी हाँ। ये हमारी 700 रुपये की रेंज है हमारी विद पिलो कवर। अच्छा जी हाँ। इसमें 5-6 कलर हैं, और ये हमारी 800 की रेंज है। ये जैकार्ड है, ये भी पिलो के साथ है। जैकार्ड पीस दिखाइए जरा, इनके प्राइस बताइए हमको, गर्मी आ रही है जैसे। जी हाँ, गर्मी आ रही है। ये नायरा डिज़ाइन है, 100% कॉटन है जी हाँ, और अच्छा मतलब प्राइस है इसका, इसमें कोई इतना महंगा भी नहीं है। हम 20% हमने इस पर डिस्काउंट कर रखा है। 970 का है ये, सॉरी 930 रुपये का, इसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी हमारे पास कुर्ती है उस पर हमने 20% डिस्काउंट कर रखा है। अच्छा, इसके बॉटम के लिए हाँ, इसका बॉटम अलग है, ये इसका बॉटम होगा मैचिंग का। ठीक जी हाँ, ये मैचिंग का। ये इसका दुपट्टा होगा जी हाँ। ये कंप्लीट कितने में पड़ने वाला है? ये कंप्लीट 930 का है, उस पर 20% डिस्काउंट होगा। 20% जी हाँ। अच्छा, इसी तरीके सब पर डिस्काउंट है? हाँ जी हाँ। ये सारा 3 पीस है, इसमें कुछ ये 2 पीस है, बॉटम और टॉप बॉटम, और ये सारी सिंगल कुर्ती है। हाँ, ये कोट सेट भी इसमें है, इसका बॉटम भी है और टॉप भी है। जी सर। तो भैया एक पॉइंट में ये देख पा रहा हूँ, आइए जान से मुल्ला जी से थोड़ा इनके बारे में, इनकी दुकान में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या आइटम है। तो मुल्ला जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फहीमुद्दीन है। फहीमुद्दीन, फहीमुद्दीन साहब आप सबसे पहले हमें क्या दिखाने वाले हैं अपने इस दुकान में? ये सारी बेडशीट के 4 साइज़ है ये हमारे पास, डबल, सिंगल, किंग, क्वीन, और होम फर्निशिंग में सारी चीज़ें हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो है प्योर कॉटन की है, सिंगल की हाँ। ये प्योर कॉटन है, 216 की सलब में, ठीक है, सिंगल का पीस है इसको। इसमें और भी कलर अवेलेबल है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये कॉटन बेडशीट है, कॉटन अस्त्र नहीं शस्त्र भी है। अच्छा हाँ जी, बहुत खूब। इसकी चलिए दिखाइए साहब, और दिखाइए। इसका क्या प्राइस है वैसे? ये आपको 450 रुपये की दे रहे हैं जी। यहाँ तो 20% लेस हो रहा। 450 में 20% लेस होगा अभी? और नहीं, बस ये 20% लेस करके बताया। अच्छा, ये 20% लेस करके ऑलरेडी बताया है। 3,000-2,500 रुपये के रेट हो रहे हैं। अच्छा, ये खादी ग्राम उद्योग की रोजगार को बढ़ावा देने की वजह से फ्री स्टॉल लगाई गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं, जुड़े हुए लोग हैं, इनको रोजगार मिले। जो पीछे उद्यमी, इनके पीछे बहुत बड़ी चैन होती है। अच्छा, इस तरीके से वो प्रदर्शनी वगैरह लगा के इसको यहाँ पे सेल आउट कराते हैं, उससे रोजगार मिलता है। अब मुनासिब रेटों पर लोगों को चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कोई शोरूम का खर्चा नहीं लग रहा, कोई और कुछ नहीं लग रहा है फालतू, कुछ नहीं, सीधे आपको मिल रहा है। हाँ सीधा। बस ये है कि थोड़ा जागरूक कम है यहाँ पर लोग। आज देखें तो जो देखने वाले हैं वो बंदे परचेज भी कर रहे हैं। भैया मतलब जिन्हें सही कहा, लोग जागरूक कम है। और क्यों ना हो यार, दुबई कार्निवाल सामने लगा हुआ है, हर कोई पहले वहाँ चला जाता है। ये थोड़ा बैक साइड में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, भीड़ नहीं होती। यहाँ भी काफ़ी अच्छे लेवल पे भीड़ होती है शाम के समय में। तो भैया यहाँ भी एक बार आने की कोशिश करना। ये जो कॉटन की चादर बिछाएगा 20-25 साल तो वैसे ही एक्स्ट्रा जिएगा वो भाई साहब। हाँ, ये सिंथेटिक चीजें आप यूज कर रहे हैं, आप हैंडलूम की चीजें खरीदे तो मैं समझता हूँ ये अस्त्र नहीं शस्त्र भी है ये कपड़ा। बहुत बढ़िया बात बोली भैया मुल्ला जी ने, अस्त्र नहीं शस्त्र भी है ये हैंडलूम की चीजें खरीदें, इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा करें। चलिए बढ़ते हैं और आगे। तो सारे स्नैक्स वगैरह नमकीन वगैरह मिल जाएंगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको बीकानेर का सब प्रसिद्ध भुजिया पापड़ बड़ी है, इनके पास सारे नमकीन वगैरह का आइटम है, अपने कैंडी वगैरह भी रखी हुई है। ये देखो भाई सब पैकेट है, पापड़ भी है। भैया जरा बताइए थोड़ा यार इसके बारे में अपने। जी सर हमारे बीकानेर का प्रोडक्ट है, बीकानेर का। हाँ जी ओके, हाथ का बना हुआ है सब। हाथ का बना, एक हाथ पीस दिखाओ जरा उठा के हमको कोई। ये देखो जैसे कि ये वाला है, ये कितने का है? ये 100 रुपए का है, 400 ग्राम। 400 ग्राम। अच्छा ये सारे मतलब 400 ग्राम में ही अलग अलग है? नहीं 100 के 400 ग्राम है। नमकीन में तो नमकीन में ओके। और सब्जी बनाने के राजस्थानी गट्टे भी है, बढ़िया भी है, पुदीना भुजिया भी है। ये बच्चों के लिए? हाँ ये बच्चों के बड़े पुराने जमाने की काली मिर्च ये 20 रुपए का है। 20 रुपए की कैंडी बच्चों के लिए जो अपने बचपन की यादों को ताजा करती है। ये सारे वही नमकीन वगैरह लगे हुए हैं इधर। ये भैया सब ये अपने 400 ग्राम में ये सारे जितने भी हैं? हाँ सब 400 ग्राम में इधर, सब 400 ग्राम में और सब अपने ये अपना ही। थोड़ा आपको एक बार टेस्ट कर लेंगे, को टेस्ट ही कराओ। ये देखो बीकानेर भुजिया है, बीकानेर भुजिया देखते हैं भाई। ये यार बढ़िया है। कुछ और? ये कौन सी है? ये पुदीना और आलू के साथ। ये भैया पुदीना और आलू के साथ है। ये भैया जो खट्टा बना है इसमें तो भैया ये चना पुदीना। भाई ये चना पुदीना आ गया मेरे हाथ में अब। भाई ये मिर्चे भी कम है, मिर्चे कम है, लाइट भी कम है। ये कौन सा खिलाने वाला है? ये मूंगफली पकौड़ा है। ये मूंगफली पकौड़ा ओके। भैया मूंगफली पकौड़ा जाने वाला है मेरे मुंह के अंदर अब, जैसे कि आप लोग भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। पहले मिक्सिंग हो गई है भुजिया, फिर अपना ये पालक वाला, फिर चना, फिर मूंगफली का, तो मेरे में टेस्ट ही मिक्स हो गया यार सब। तो आइए भैया से बात करते हैं। भैया आपके पास जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ओपनली सब कुछ रखा हुआ है, क्रॉकरी का आइटम क्या क्या अवेलेबल अपने पास? सर पूरा किचन वेयर का सारा आइटम है क्योंकि हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर खुद बनाने वाले हैं। खुद बनाने वाले। तो ये जो मटेरियल है किस चीज़ के बने हुए? जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ ये सेरेमिक स्टोन वेयर। सेरेमिक स्टोन वेयर। ये गिरने पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा? गिरने पे तो टूटता है, गिरने पे टूटता है। बाकी जैसा है ऐसे ही रहेगा हमेशा। अच्छा गिरने से बचाना है आपको? बस गिरने से बचाना है। अच्छा तो ये क्या आइटम है जैसे? सर ये सर्विंग बॉल है, ये माइक्रोवेव में भी चलता है, माइक्रोवेव सेफ भी है। क्या प्राइस है इसका? सर ये 180 का है। 180 का। अच्छा ऐसे कप के मैं कप देख पा रहा हूं 150 के 6 हैं। 150 के मार्केट में महंगे ब्लैक वाले जितने लगे हुए हैं जी सब, कोई भी 150 के 6। देखो दोस्तों ये भी भैया 150 का 6 वाला है। ये सर ये भी 150 का 6 है ओके, लगा देते हैं। तो दोस्तों देखो भैया 150 के 6 हैं। ये सारे कलर हैं इधर, गिनने से आपको बचाना ही है जैसे कि आपको पता ही है। देखो भाई ये सब 150 में 6 बताए भैया ने, कोई से भी आप 6 ले सकते हो। 12 किलो 6 किलो। देखो ये है वो अचार के जार, इनसे पूछते हैं। भैया ये वाला क्या साइज है इसका? ये भैया 12 किलो का है। 12 किलो का ये वाला, इसका क्या प्राइस है? सर ये 600 रुपए का है। 600 का। और ये 6 किलो वाला है, 6 किलो 550 रुपए का है। ये 6 किलो में? हाँ जी 550 का है, ठीक है। और ये 2 किलो का है, ये 2 किलो का 250 का है, ये 150 का है आधा किलो वाला। और ये 100 रुपए की 3 है स्मॉल साइज, जो टेबल्स वगैरह पर रखे जाते हैं। टेबल वगैरह पे ओके। ये फैंसी में है। अच्छा ये कलरफुल मल्टी कलर में? ये 350 का है सर। ये 350 का हो गया। अच्छा और कुछ यूनिक में ऐसा छोटे में? इनका क्या प्राइस है भैया? सर ये 50 रुपए का है। ब्रेक ना हो जाए मैं इसको, कुछ नहीं होगा, इतनी आसानी से भी नहीं टूटते सर, फिर भी डर तो लगता ही है। अच्छा इधर ये सब ये माइक्रोवेव में सब्जी रखें, दही जमाएं, कुछ भी करें। इसका क्या प्राइस है भैया? सर ये 250 का स्मॉल साइज और बड़ा साइज 350। बड़ा 350। ये सेट ऑफ 3 पीस हैं, माइक्रोवेव में भी चलते हैं, दही भी जमती है इनमें, ठीक है। मल्टीपर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पिकल सेट हैं, सेट ऑफ 3 पीस, सेट ऑफ 2 पीस। ये 3 का सेट है, ये कितने का है? ये 350 3 पीस, 2 पीस 180। 2 पीस 180? हाँ जी सर ओके। ऐसे थोड़ा और आगे बढ़ते इधर ट्रे आ गई आपकी है जी सर। ये भी सब सर्व करने की ट्रे हैं okay। कोई भी चीज़ सर्व करें सपोज कीजिए। ये इसका क्या प्राइस है हमारा? ये 350 सर। और ये किस शेप में? पान कोई पत्ता लग रहा है? जी हाँ जी हाँ, लीफ पत्ते की शेप में ऐसे। अगला भी है जी हाँ ओके। तो यह देखा आपने भैया के पास ये सारे आइटम है, अच्छे अच्छे यूनिक आइटम है, सेट के साथ भी है और कप्स वगैरह भी है। होम के किचन के लिए आपको अगर चाहिए तो ये अपने यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि अपने ओपनली भैया आपको मिल जाएंगे बैठे हुए। चलिए बढ़ते हैं और आगे। तो देखो भाई हो, घर में जिसको किसी को अपना चाहिए हो इस तरीके से अपना ले सकता है और उसको ये इन्जॉय कर सकता है। तो दोस्तों अभी मुझे एक पॉइंट ये दिखा, अशोक जी ने मेरे को बताया, इस पॉइंट में ये लोग बताते हैं कि कपड़ा कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हैंडलूम को जो हाथ से बनाया जाता है वो कैसे बनाते हैं। आइए चलते हैं थोड़ा अंदर और दिखाते हैं आपको। ये है सर, ये जो मैं सेटअप देख पा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये हैंडलूम है। हैंडलूम है, हैंडलूम जिससे कपड़ा जो है तैयार किया जाता, बनाया जाता है। अच्छा, आपको लूज वाली थ्रेड होता है, धागा होता है, ये खरीद के लाते हैं। ये खरीद के लाते हैं, इसके बाद कहाँ जाता है? इसको जो है पहले हम इस पे जो है चढ़ा लेते हैं। अच्छा, इस पे चढ़ा लिया जाता है। और ठीक है, इस पे चढ़ाने के बाद इसका एक धागा लेकर के इस बॉबिन में ऐसा लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, लगाने के बाद इसको ऐसे घुमा देते हैं, ये तो ये धागा पूरा जो है इसमें बैंड हो जाता है। ये बात, इसको पर्न बोलते हैं। पर्न, पर्न। इस पूरे प्रोसेस को ना प्रोसेस तो ये चरखा रहता है जी, ये पर्न ये है, ये बॉबिन ये पहले जो है। हाँ, ये जो है हम थोड़ा जो है यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से, और ये जो है यहाँ पर ऐसे जो है बाउंड हो जाता है, फिर ये घूमता है। हाँ, ये बॉबिन में। ठीक है, तो जैसे धागे में, कपड़े में दो तरह के धागे की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे होने चाहिए, एक ऐसे होने चाहिए जी। तो ये पर्न जो है हमारा, ये हमारा जो है एक लूम का पार्ट्स है, सटल जी। इसको यहाँ पर ये जो है इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो ये चीज़ है पर्न, इससे जो है जितने धागे की विड्थ रहती है, ये इसका बार्प बीम होता है। ओके, तो एक बार्पिंग मशीन होती है जी, उससे जो है ये बार्प बीम तैयार किया जाता है जी। तो बार्प बीम को वहाँ से तैयार करने के बाद इस लूम पे यहाँ पर चढ़ा देते हैं इसको। ठीक है सर। इसके बाद ये धागे जाते हैं यहाँ से ऐसे, ये लीज रॉड लगे रहते हैं कि आधे धागे ऊपर बने रहें इसके जी, और आधे नीचे रहें। इसके बाद ये सीधा ऐसा धागा आता है। हाँ जी, इसके बाद फिर ये धागे जो इस तरह से आते हैं जी। यहाँ पर इसका ये जो है ना हील्ड वायर लगे रहते हैं, इसको हील्ड बोलते हैं, हील्ड वायर रहते हैं। एक सेकंड से पास से दिखा दो। हाँ, ये होते हैं दोस्तों कुछ हील्ड वायर। ठीक है, और इसका नीचे जो है पैडल लगा रहता है, पैडल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पैडल होता है, पैर में अपना आता है, यहाँ से भी ऑपरेट करते हैं भैया इसको। हाँ, तो ये पैडल जो है डिजाइन के अनुसार जो है कम ज्यादा होते हैं। अब जिस तरह की हमें डिजाइन बनानी रहती है तो ये एक कुशल बीवर होते हैं, तो उसी तरह से इस पैडल का अप डाउन होता है। तो जैसे ये पैडल दबाएंगे तो उतने हील्ड वायर ऊपर उठ जाएंगे, तो हील्ड वायर के साथ उसके धागे ऊपर उठ जाएंगे, और जो पैडल नीचे रहेगा उसके धागे नीचे रहेंगे। और वो जो हमारी वो थी बॉबिन हमारी इस शटल में फिट हो गई। अब क्या होता है इसका, जैसे यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये जो है, अच्छा ये जो हैंडल है, ये हैंडल, तो इसको जब ऐसे करते हैं तो यहाँ से पर्न सीधी उधर चली जाती है, वो बॉबिन। उस हैंडल को नीचे करने पे बॉबिन उधर चला जाता है ना। इसको देखो, ये किया, ये देखो इधर आ गई। हाँ, ये इधर। तो इसमें इसके साथ में एक धागा आकर के ऐसे पड़ गया, ऐसे पड़ गया ये। और जब इधर से जाएगी तो एक धागा ऐसा पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये, इस तरह से कपड़ा जो है तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। ये सारे जॉइंट अपने धागे इस तरीके से मर्ज होते रहते हैं, पास में बिल्कुल चिपकते रहते हैं। बिल्कुल देखो धागा बन रहा है, कपड़ा बिल्कुल एक एक धागा है जो अपना सीधे एक एक धागा मिलता जा रहा है। इस तरह से कई तरह के हैंडलूम का कपड़ा तैयार होता है। ये भारत सरकार कार्यालय से आए हैं श्री मान सिंह जी, ये आपको ये पूरा प्रोसेस जो है बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कस्टमर आकर के देखे यहाँ पर कि वास्तविक कपड़ा तैयार कैसे होता है। अच्छा, तो ये बहुत ही मतलब एक एक्सरसाइज का एक जरिया इसको कह सकते हैं। कपड़ा तो बनता ही है, एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाती है, बहुत बढ़िया एकदम अच्छा। और हाँ, फिर लास्ट में जो बनके तैयार हो गया फाइनल कपड़ा आता है, वो किस तरीके से ये फाइनल कपड़ा हो गया। इसके बाद जो क्लॉथ बीम है इसमें लपेटता रहेगा, क्लॉथ बीम यहाँ लपेटता रहता है, यहाँ इसमें लपेटता रहेगा। फिर मतलब प्रोडक्ट के पीस के हिसाब से उसको कट करके अलग कर। अच्छा, मैं पीछे देख पा रहा हूँ ये इस तरीके से चेक में जो लगवा है, इसके बाद में कलर वाला जो है ये। हाँ, इसमें ऐसा ये जो बॉबिन है ये वाली जी, इसमें कलर धागा डाल देंगे। अच्छा, तो इसमें कलर पलटी पड़ जाएगी, डिजाइन प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट, वो प्रिंट नहीं है, ये कलर धागा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, एक कलर ऐसा चला, फिर दूसरे किस कलर का धागा चला अपने पास। अब जैसे ये कलर्ड है, ये येलो है, ये इसमें डाल देंगे तो इसमें जो है इस कलर की एक लाइन आ जाएगी। इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन जो है होता रहता है। और दोस्तों आपने देखा अभी ये हैंडलूम वाला भैया ने सेटअप दिखाया किस तरीके से करते हैं, इसमें कलर वाला थ्रेड लगा देते हैं तो कलर वाला अपना पूरा वो बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भैया हैंडलूम से तैयार की गई है। जो यहाँ पीसेस लगे हुए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इधर से बेसिक डिजाइने देखो, इस तरह से इनका जो है जब टेक्निकल इसका डाटा अलग करते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर आता है ग्राफिकल। हेल्ड वायर, पिन, हैंग, ये सारे सर थ्रेड है ना ये? हाँ हाँ, ये लूम के पार्ट्स हैं। लूम के पार्ट्स हैं, ये लूम के पार्ट्स हैं जिसको लोग जानते नहीं है ना, तो किस पार्ट का क्या नाम है तो उसको दिखाएगा। इसी लूम से इस तरह के भी बेडशीट चादरें तैयार होती हैं। तो दोस्तों फिलहाल हैंडलूम का जो वर्क होता है वो इस तरीके से होता है। भाई ने प्रोसेस हमें समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छा समझाया अभी। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आपको पूरा का पूरा ये प्रदर्शनी का सीन दिखाने की, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर भी किए। अगर इस तरीके की किसी को और अपने घूमना है आना चाहते हैं तो भैया 27 तारीख लास्ट है, 27 के बाद ये लोग बिजनौर चले जाएंगे। 27 तक इनका यहाँ का टेंडर है, उससे पहले पहले यहाँ आइए एक बार और घूम के जरूर जाइए। यार दुबई कार्निवाल तो सामने लगा हुआ है, देखो मेरे सामने उधर की साइड दुबई कार्निवाल है, उससे लेफ्ट हैंड साइड ही आपको इधर आना होगा। और ये अपने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रामनगर ग्राउंड से लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है दुबई कार्निवाल के जस्ट अपोजिट में। बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय।